Hello, hello, how are you doing today? I hope that your skin, hair and overall general health is awesome. My name is Dr. Agni Kumar Bose and I'm a dermatologist. And I'm so happy with all the responses that we're getting, all the questions that you guys have been asking. Mujhe bahut acha lagta hai jab log apne doubts poochte hain because, you know, koi bhi question chota nahi hota, koi bhi question silly nahi hota. If the doubt is there in your mind, please poocho, we're there to answer that. So what I've done today is, मैंने सारे डाउट्स को क्लब किया है एंड आज मैं डील करूंगा विथ न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी एंड वेदर वी शुड इवन टेक सप्लीमेंट्स और नॉट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट नॉर्मल टू हैव सप्लीमेंट्स विद मेडिसिंस? यस, बाय ऑल मींस, प्लीज बिंदास लो, बिकॉज योर मल्टी विटामिंस, द सप्लीमेंट्स दैट वी हैव, दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल. एंड इसका मतलब क्या होता है दैट इवन इफ आपको विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है एंड यू एंड अप टेकिंग द सप्लीमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम. You drink a lot of water and your kidneys will flush them out. There is no problem of overdose or toxicity. वो नहीं होता. But जो हमारे fat soluble vitamins होते हैं, इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं अपना vitamin E. So we have vitamin E, vitamin D, vitamin A, vitamin K. These vitamins A, D, E, K, they are fat soluble. इसका क्या मतलब होता है? That इसमें overdose का chance होता है, इसमें toxicity का chance होता है. And that is why please don't take them on your own. Go consult a doctor. हम लोग पहले आपको clinically assess करेंगे whether आपको deficiency है कि नहीं. We might run a few blood tests. Only then will we prescribe them. Okay? The other supplements, the other vitamins that are there, they are all over the counter and they are all water soluble. तो उनमें कोई problem नहीं है. बिंदास लो. हमें dietary deficiencies हो जाती है, micronutrient deficiency हो जाती है. जो trace elements, जो trace minerals है, वो हमारे diet में नहीं आ पाते because of urban living, pollution, stress, work pressure. So please take the supplements. Second, can protein deficiencies be met through vegetarian food? Yes, aram se. Vegetarian sources aap kha ke aram se achhi body, muscular body bana sakte ho. So what are the common vegetarian sources of protein? We have beans. तो इसमें अपना राजमा, चना, छोला, हमारे सारे दाल आ जाते हैं, हमारे स्प्राउट्स आते हैं, बीन्स, सोयाबीन, द डेयरी आइटम्स में उसमें अपना पनीर, कर्ड, टोफू, दीज आर ऑल नाइस सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. एंड बाय द वे, डिड यू नो कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ चिकन, मटन, एग्स, फिश, वही खाने से आपको प्रोटीन मिलता है. डिड यू नो दैट 100 ग्राम्स ऑफ दाल हैज़ अबाउट 22-23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स ऑफ चिकन हैज़ अबाउट 25-26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है. एंड बाय द वे, द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट यू कैन गेट नेचुरली इज इन सोयाबीन्स. वो जो सोया चंक्स आते हैं ना, 100 ग्राम्स ऑफ द सोयाबीन चंक्स हैव 44 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. दैट्स ऑलमोस्ट डबल देन वॉट यू गेट इन चिकन. एंड दी स्मॉल जो एनर्जी डेंस फूड्स भी जो आते हैं ना, उसमें अपने फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, अपने नट्स, दे आर ऑल्सो वेरी हाई इन प्रोटीन. उसमें आपको अपने फाइबर्स भी मिल जाते हैं. एंड बाई द वे, जस्ट बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट इट, वॉट इज़ योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट? सो द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 1 to 1.5 ग्राम्स पर के जी पर डे. इसका क्या मतलब होता है? दैट इफ़ यू वे 60 के जीज, योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 60 to 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. दिस इज इफ़ यू हैव अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप एथलेटिक्स करते हैं, अगर आप लोग कुछ वेट लिफ्टिंग करते हैं, वट एवर, योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट विल बी मच हायर. एंड इन केस यू आर अनएबल टू मीट योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट थ्रू योर नेचुरल फूड, बाय ऑल मीन्स प्लीज टेक प्रोटीन सप्लीमेंटेशन. देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. हाउ कैन यू क्लियर पिंपल मार्क्स? सो नो, डिपेंडिंग ऑन वॉट टाइप्स ऑफ पिंपल्स यू हैव, देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पिंपल मार्क्स. ठीक है, हमारे जो रेड कलर के पिंपल मार्क्स होते हैं, ब्लैक या जो डार्क कलर के होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, एंड जो रेज्ड वाले, द हाइपरट्रोफिक स्कार, जिसको हम कीलॉइड बोलते हैं. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पोस्ट एक्ने, पोस्ट पिंपल स्कार्स दैट वी हैव. नाउ द रेड वंस एंड द ब्लैक वंस, वो सबसे बेस्ट हैं. व्हाई? बिकॉज आप कुछ करो या ना करो, ओवर टाइम, ओवर मंथ्स टू ईयर्स, दे विल ग्रेजुअली इवेंचुअली फेड. अगर फिर भी नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वी हैव क्रीम्स फॉर दैट. बट जो आपके जो गड्ढे वाले जो स्कार्स हैं एंड जो आपके रेज्ड वाले जो हैं, द हाइपरट्रोफिक स्कार्स, द कीलॉइड्स, वो नहीं जाएंगे, वो क्रीम से भी नहीं जाएंगे. फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर ऑन यू. क्या क्या कर सकते हैं? सो वी कैन डू केमिकल पील्स, वी कैन डू लेजर्स, वी कैन डू माइक्रो नीडलिंग. जो अगर आपने देखा होगा, वो जो डर्मा रोलर करके जो होता है, दैट इज़ वॉट इज़ माइक्रो नीडलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई फिक्स एन इची स्कैल्प ऑन नेचुरल हेयर? सो देर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज फॉर इचिंग ऑफ द स्कैल्प. हम लोग क्या देखते हैं कॉमनली? देर इज़ फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ,
ड्राई स्कैल्प, एलर्जीज, रैशेस टू यू नो हेयर डाई, वो बहुत कॉमन है बाय द वे. हाँ, स्किन डिजीजे सच एज सोराइसिस, एक्जिमा, एटोपिक डर्माटाइटिस, ये बहुत कॉमन कॉजेज हैं. बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज द कॉमनेस्ट कॉजेज आर डैंड्रफ एंड ड्राई स्कैल्प. अब जो ड्राई स्कैल्प होता है, सिर्फ स्कैल्प ड्राई नहीं रहता, वी सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉडी भी ड्राई होती है. तो बॉडी को हम जो ड्राई स्किन को हाइड्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, राइट. स्कैल्प के लिए मॉइस्चराइज़र क्या होता है, इट्स ऑयल. ठीक से, सो ऑयल आप अच्छे से अपने स्कैल्प में लगाओ. यू कैन अप्लाई ऑन द हेयर, दैट्स ओके, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्कैल्प बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ ड्राई. और अगर आपको तेल लगाना पसंद नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज़ कंडिशनर्स बिकॉज दे आर ऑल्सो क्रीम बेस्ड, उनमें भी यू नो ऑयल कंटेंट रहता है, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प नरिश योर स्कैल्प, उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा. द सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज लाइक आई सेड इज डैंड्रफ. नो डैंड्रफ रिक्वायर्स स्पेशल मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पूज. एंड वॉट आर द इन्ग्रीडियंट्स दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर जो आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पू में होने चाहिए. सो वी हैव कीटोकोनाजोल और जिंक पायरेथ्रियन और सेलिनियम सल्फाइट और साइक्लोपिलॉक्स ओरामीन. सो दीज आर द इन्ग्रीडियंट्स जो आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पू में होने चाहिए. दीज आर ऑल मेडिकल ग्रेड शैम्पूज. एंड वर्ड ऑफ एडवाइस बाय द वे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो होता है ना, उसको बाल में लगा के वेस्ट मत करो, वो स्कैल्प पे लगाना है. डैंड्रफ इज़ अ स्कैल्प प्रॉब्लम. सेकेंडली, आफ्टर यू हैव लैदर्ड द शैम्पू, यू नीड टू कीप इट इन योर स्कैल्प फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes. दैट इज़ द कॉन्टैक्ट टाइम. कूल ना. चलो, बेस्ट टाइम टू टेक मल्टी विटामिन्स. सो देर इज़ नो बेस्ट टाइम पर से, यू कैन टेक देम व्हेनेवर, बट इट्स बेटर टू टेक देम आफ्टर मील्स बिकॉज मल्टी विटामिन्स में हमने देखा है जो उसके टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आते हैं, कभी कभी एसिडिटी कॉज कर देते हैं, स्पेशली जिसमें जिंक कंटेंट होता है, थोड़ा मेटल कंटेंट होता है, द मिनरल्स इन देम, दे कैन कॉज एसिडिटी एंड दैट्स वेरी नॉर्मल. यू नो बाय द वे एनी टैबलेट कैन कॉज एसिडिटी, इट्स नॉट कि वो मल्टी विटामिन की वजह से ही है या सप्लीमेंट की वजह से ही है, सो दैट्स नॉट टू ब्लेम. बट एनी वे, सो एसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, सो जस्ट टेक इट आफ्टर मील्स, दैट्स इट, सिंपल, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. डू मेन नीड डिफरेंट स्किन केयर? नो, नॉट एट ऑल. मेन वुमेन कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू नो स्किन केयर इज जेंडर न्यूट्रल. ये डोंट यू नो फॉल फॉर दीज मार्केटिंग गिमिक्स की मेन की स्किन ज़्यादा मोटी होती है, उनकी स्किन ज़्यादा थिक होती है, तो उनको स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट की ज़रूरत है. नहीं, डजेंट वर्क लाइक दैट. स्किन सबका सेम होता है, मेन वुमेन सबका स्किन सेम है. येस, मेन एंड वुमेन माइट हैव डिफरेंट स्किन डिजीजेज एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द हॉर्मोनल चेंजेस, राइट. सो बिकॉज ऑफ द साइक्लिकल चेंजेस ऑफ द हॉर्मोन अराउंड प्रेगनेंसी, अराउंड मेंस्ट्रुएशन, पिंपल के फ्लेयर हो जाते हैं इन वुमेन. पीपल विथ PCOS, वुमेन विथ PCOS, उनको एक्सेस हेयर ग्रोथ आ जाता है ओवर द फेस, ओवर द अंडर आर्म्स. सो येस, दीज सटल डिफरेंसेज आर देयर, बट इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर मेन एंड वुमेन, नो, दे आर ऑल द सेम. जिसको जो लगाने का लगाओ, स्किन केयर इज जेंडर न्यूट्रल. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इज स्किन एंड हेयर हेल्थ प्योरली जेनेटिक? नो. योर ओवरऑल हेल्थ, योर स्किन एंड हेयर, एनीथिंग, एनी ऑर्गन डिपेंड्स 50% ऑन योर नेचर एंड 50% ऑन योर नर्चर. नेचर मतलब योर जेनेटिक मेकअप, ठीक है, द जीन्स दैट यू बॉर्न विथ, वॉट योर मदर फादर, वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स हैव. एंड नर्चर मतलब द इन्वायरमेंट दैट यू लिव इन. उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपका द फूड, द वाटर, द पोल्यूशन, जो आप जितना स्ट्रेस ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, वेदर यूर स्लीपिंग अर नॉट एडिक्वेटली, ऑल दैट मैटर्स. सो येस, जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इट्स ओनली 50%. द अदर 50% इज ऑल इन योर हैंड्स. एंड दैट्स इट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड आई होप दैट आप लोग के डाउट सॉल्व हुए. प्लीज़ डोंट फील शाय. कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू यू नो आस्क देम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम लोग मिलेंगे अगली बार. चलो, टेक केयर.